इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई उसकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लोगे? कृष्णा क्या कर रहा है बेटा? ये नटखट माखन चला रहा था, मैंने इसे मना किया और इसे माखन वापस ले लाता। ओ कृष्णा, तू तो संसार का सबसे प्यारा चोर है। मैया की नजर हम पर है कृष्णा, आज तो उनका स्वादिष्ट मक्खन और दूध चुराना असंभव है। हम चुराएंगे। कैसे? बच्चे जैसे। Oh, my God.
नंद महाराज आइए अपने पुत्र की वीरता देखिए। क्या कृष्णा को दंडित करेंगे पापा? सबका मन मोहने वाले को भला कोई कैसे दंडित कर सकता है, बोलो। आपके दोनों ही पुत्र बड़े प्यारे हैं नंद महाराज, और बलराम की मुस्कान तो बड़ी प्यारी है। मैया बाबा को अच्छा लगता है जब हम कोई शरारत करते हैं। हम क्या करें कृष्णा? ऑल कर लो। परंतु और क्या? शलालत। हमें और अधिक शरारत करनी चाहिए कृष्णा। तुम जितने भोले दिखते हो उसे कई अधिक चतुर हो। आओ मिलके ऐसी शरारत करें कि मैया बाबा देखते ही रह जाए। चलो सारे बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिलाकर हम उन्हें दिखा दें कि हम कितने चतुर हैं। चलो खोल दो सबको। गोपियों के लिए अब थोड़ा भी दूध नहीं बचा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दूध पिला रहे हैं। गायों का दूध निकालने के पहले क्यों किया ऐसा? ये दोनों इतने प्यारे हैं कि मुझसे डांटा ही नहीं जा रहा। यशोदा, नंद महाराज आइए देखिए आपके प्रिय पुत्र क्या कर रहे हैं। मानते हैं ना कि हम वृंदावन के सबसे शरारती बच्चे हैं? चलो, चलो, चलो। जब हम इनका दही माखन चुराएंगे ना तो देखना कोई नहीं हंसेगा। देखा मैंने माखन की हांडी ऊपर क्यों रखी? ताकि ये दोनों नटखट कुछ भी न चुरा पाए। मिल गया। इसे तुम क्या करोगे कृष्णा? वर्षा करूंगा। मुझे वर्षा नहीं, माखन चाहिए माखन। तुम दोनों माखन चोरों को मैंने पकड़ लिया। देख तुम दोनों को दंड दे। इनकी शरारतें अब बढ़ती ही जा रही हैं। तुम्हें अपने नटखट पुत्रों को दंडित करना चाहिए। हमने इन्हें हमारा माखन चुराते पकड़ा। फिर से क्या ये सत्य है? हमने माखन चुराया मैया और उसकी एक एक बूंद का स्वाद लिया। क्या अब हमें दंडित करोगी? हाँ अवश्य करूंगी। पर तब जब मेरे हृदय को आनंदित करने वाले मेरे दोनों पुत्र मेरे गले लगेंगे,
हमारे नटखट माखन चोर कृष्णा और बलराम। पर इन्होंने हमारा माखन चुराया। माखन हम अपने बालकों के लिए ही तो निकालती हैं, है ना? हाँ निकालती तो हैं। तब तो तुम्हें सदा हमारे गले लगे रहना पड़ेगा। मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना मनमोहना मोरा कृष्णा 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 मनमोहना राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा माटी खाई? झूठ बोल रहा है, इसका मुंह तो देखो। मेरे लाल, मेरे कृष्णा, देखो तो तुम्हारा भाई कितना चिंतित हो रहा है। तुमने माटी क्यों खाई पुत्र? क्या इसने सच में माटी खाई है बलराम? हाँ। सत्य का पता लगाने का एक ही तरीका है कृष्णा, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो अपना मुंह खोलो और हमें देखने दो। ये असंभव है। यशोदा, इन्होंने पता नहीं कृष्ण के मुंह में क्या देख लिया। इसने माटी खाई है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, सैकड़ों सूर्य और ग्रह, सागर और पर्वत भी, ज्वालामुखी, सब कुछ इसके मुंह में। मेरी बुद्धि फिर गई है शायद। नहीं, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कृष्ण में कुछ विशेष है? परंतु उसके मुंह में मैंने, तुमने वही देखा जो सब देखते हैं, अर्थात कृष्ण की माया का एक और अद्भुत रूप। तुम्हें वो फल वाली याद है यशोदा? फल ले लो, फल, वृंदावन के ताजे स्वादिष्ट फल। इन आमों की तो सुगंध बड़ी अद्भुत है कृष्ण। क्या एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद, आप बड़े परोपकारी हैं। कि
कृष्णा को फल चाहिए। रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ये कैसे हो गया? ये अवश्य भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। परंतु वो विष्णु ने नहीं किया था। अब तुम समझ गई ना प्रिय यशोदा कि वो कृष्ण की लीला थी। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि समूचा ब्रह्मांड मेरी कृष्णा के मुख में कैसे समा सकता है। अपना मुंह खोल के तो दिखा शरारती। आपने देखा, वहाँ कुछ नहीं, केवल माटी है। मुझे लगा ही था कि ये मेरी कल्पना थी। मेरी तो मति ही मारी गई है। नहीं यशोदा, ये तुम्हारे पुत्र की लीला है। भूल गई? एक नवजात शिशु होकर भी उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर सके। तुम्हें याद है जब राक्षसी पूतना यहाँ आई थी? तुम्हारा लाल बड़ा अद्भुत है यशोदा। ये बड़ा होकर आप ही की तरह महान बनेगा नंद महाराज। जैसी प्रभु की इच्छा हो, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए। क्रूर कंस ने पूरे राज्य में हाहाकार मचाया हुआ है। उसकी राक्षसी प्रवृत्ति का संकट हम पर भी आ सकता है। आओ। मानव के बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करती हो? तुम जो कोई भी हो, अपना परिचय दो इससे पहले कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूं। प्रणाम महाराज कंस। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए पूतना। मुझे देववाणी से चेतावनी मिली थी कि मेरी बहन का आठवां पुत्र मेरा काल बनेगा। पहले सात तो स्वयं काल के काल में समा गए, परंतु आठवां ही मेरा काल है। मैं आदेश देता हूं कि पिछले 10 दिनों में जन्मे सभी बच्चों को मार दो, ताकि यदि मेरा काल जीवित है तो उनमें वो भी मारा जाए। जो पूतना को अच्छी तरह नहीं जानता, वही उसे ऐसा दुष्कर्म करने का आदेश दे सकता है। क्योंकि पूतना तो स्वयं ऐसे कर्मों को करने की प्रतीक्षा में रहती है। तुमने यशोदा और नंद के बेटे को देखा? कृष्णा कितना सुंदर है। हाँ, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं ऐसी मोहित हुई कि सुदबुद्धि खो बैठी। इतना नन्ना सा है और आंखों में ऐसा आकर्षण। कृष्ण सच में बड़ा अद्भुत है। कृष्णा अद्भुत, यही होगा वो। परंतु यदि सच में वो इतना शक्तिशाली है तो अवश्य ही घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। मुझे तुम्हारे ही विष की आवश्यकता है। आ, आ,
कंस का काल अब स्वयं ही काल को प्राप्त होगा जब मैं उसे पिलाऊंगी अपना विषैला दूध। ये गांववासी किसी राक्षसी को अपने प्रिय बालक के पास जाते देख अवश्य आक्रमण करेंगे। परंतु यदि कोई सुंदर महिला वहां जाए तो ये कृष्ण नाम का सुंदर शिशु किस घर में है? धन्यवाद। ये तो देवलोक की कोई अप्सरा जान पड़ती है। सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। देखो तो कैसे प्यारा है। मुझे भी देखने दो ना। बहुत ही खूबसूरत है। ओ, बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत सुंदर। क्या आप तीनों लोकों की देवी हैं? क्या आप कृष्णा को आशीर्वाद देने आई हैं? कौन है आप और आपका मेरे घर आगमन कैसे हुआ? मैं देवलोक की वासिनी हूँ। मेरे स्तन का पान करके आपका पुत्र अमर और महाशक्तिशाली हो जाएगा। ये बालक तो सच में कोई अद्भुत शक्ति लगती है। मुझे स्वयं की रक्षा करते हुए इसे बहुत सावधानी से मारना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्त सृष्टि की पालिनी देवी पार्वती हैं। ये अवश्य ही कोई देवी हैं जिनका दूध मेरे कृष्ण को और भी अधिक शक्ति प्रदान करेगा। बस जी भर के दूध पियो मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। रुको, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे छोड़ो, बचाओ, यशोदा। तुम्हारा प्यारा कृष्ण सदा से ही वृंदावन का सबसे अनोखा बालक रहा है। कृष्ण, मैं ये कैसे भूल गई थी कि तू सच में इस पूरे संसार का सबसे अद्भुत बालक है। ओह कृष्ण, मुझे पता था वो मूर्ख राक्षस भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं कर पाएगा। त्रिणावर तक वो समाचार पहुंच गया होगा महाराज। कैसा समाचार? कि एक नवजात शिशु ने पूतना का वध कर
हो नवजात शिशु मेरा काल है, समझे? पूतना जैसी राक्षसी से एक शिशु भी ना मारा गया, उसका मरना ठीक ही था। मैं हूं तृणावर। तुम एक कमल फूल का रूप धरकर मेरे काल का संहार करोगे? कैसे मूर्ख दानव हो तुम? ये फूल नहीं महाराज गंज, मैं वो पवन हूं जो इसे थामे हुए है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मेरे नवजात काल को ढूंढ कर तुरंत उसका अंत करो। ये काल अवश्य ही कोई महाशक्ति है महाराज, जिसने आपको भी इतना चिंतित कर दिया। बहुत बड़ी महाशक्ति? मैं उस महाशक्तिशाली शिशु के दो टुकड़े कर दूंगा, एक तिनके की तरह। मुझे आशा है तुम अपना वचन पूरा करोगे, मुझे निराश न करना तृणावर्त। बांसुरी बजाते रहो, ये संगीत सुनकर मुझे कठिन कार्य में भी आनंद आता है। नहीं, दूध। मैं दूध नहीं बनाती मेरे कान्हा, गायें दूध बनाती हैं। मैं तो मक्खन निकाल रही हूँ। दूध, दूध। ओह, तुम्हें दूध चाहिए? मेरे कान्हा को भूख लगी है। तो तुम पेट भर के दूध पियो मेरे लल्ला। ना 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 ला 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 ला। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। ओह कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम छिप रहे हो, परंतु तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कन्हैया। मेरी हंडिया फोड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। कृष्णा, कृष्णा, क्या तुम लोगों ने कृष्णा को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं यशोदा मैया। Yeah.
मुझे यहाँ किसी शक्ति का आभास हो रहा है। कृष्णा, पकड़ लिया। कृष्णा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? यदि तुम मुझसे ही डरने लगोगे, उस मैया से जो तुम्हें सर्वाधिक प्रेम करती है, तो कैसे चलेगा? काला बादल। हाँ, मुझे भी किसी संकट का आभास हो रहा है, और तुम भी कुछ कम संकट नहीं खड़े करते हो, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम्हें संकट से कैसे दूर रखना चाहिए। अब चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें बांध देती हूँ। मैंने तो ये रस्सी नाप कर काटी थी, अब इतनी लंबी ठीक है। बांधना नहीं। ओ। अब यह अवश्य पूरी हो जाएगी। नहीं बांधो। मुझे नहीं पता ये कैसे संभव है मेरे नन्हे कृष्ण। कदाचित तुम्हें बंधन पसंद नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही। कहो, यही बात है ना? ये तुमने कैसे किया? ठीक है, बांधो। अब अच्छे बच्चे की तरह रहना और रोना नहीं। मैं अपने कार्य पूरे करके अभी आई। कृष्णा फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। देखो देखो, फंस गया। जब पकड़े जाओगे ना, मैया यशोदा बहुत पिटाई करेंगी। अवश्य कोई विशाल वस्तु गिरी है। हे प्रभु, समस्त जगत के स्वामी, हमें श्राप मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। कृष्ण, भगवान कृष्ण प्रणाम। मैं नलकुवारा हूँ और ये है मेरा भाई मणिग्रीवा। हम इन अर्जुन वृक्षों में श्राप से बंधे हुए थे प्रभु। हमें नारद मुनि ने श्राप दिया था क्योंकि हमें हमारी संपन्नता पर गर्व हो गया था। उन्होंने कहा, इस श्राप से मुक्ति का एक ही उपाय है, जब हम सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु के दर्शन करेंगे तब हमें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। हम आजीवन आपके भक्त रहेंगे प्रभु। कृष्णा,
यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्ण? वृक्ष के गए अठगाम। इतने विशाल काय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्षों को उखाड़ दिया। कृष्णा, ये असंभव है। सच में वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर इसने खींचतान की, फिर पेड़ उखड़ गए और उनमें से दो देव पुरुष निकल आए। दो देव पुरुष? हाँ, उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। हाँ, जब भी कुछ अद्भुत घटना घटती है कृष्णा आसपास होता ही है। इस लड़के की बात सत्य है, तुम्हारे पुत्र में कुछ तो विशेष है नंद। नहीं, ये विशेष नहीं है, ये तो अद्भुत है। क्यों सत्य कहाना वृंदावन के लाडले? हाँ, बिल्कुल अद्भुत। कृष्णा वृंदावन के प्यारे कृष्णा, है तू सबका दुलारा कृष्णा। कृष्णा कहाँ थे इतनी देर? कृष्णा बोला, ओ मेरा लल्ला, तू बुरा कैसे होगा? तू संसार में सबसे अद्भुत है। शताब्दियों तक धरती पर गड़े रहने के बाद ये मुक्ति तो बड़ी भली प्रतीत हो रही है भैया। बिल्कुल सत्य कहा मेरे भाई, अब हम आजीवन हमें मुक्त करने वाले कृष्ण का गुणगान करेंगे। ये बालक अवश्य ही बड़ा शक्तिशाली है। यही होगा महाराज कंस का काल। कृष्णा वृंदावन के प्यारे, ओ कृष्णा है तू सबका दुलारा। आंधी, तेज आंधी। डरो मत मेरी लाल, ये तो कुछ भी नहीं, छोटी सी आंधी है। ओ कृष्णा वृंदावन के प्यारे, ओ कृष्णा हो सबकी प्यारे तुम कृष्णा। ओह, या तो तुम भारी होते जा रहे हो या फिर मैं थक गई हूँ। तुम बड़ी भारी होते जा रहे हो बेटा। हाँ। मैं तुम्हें कुछ पल धरती पर बिठा देती हूँ, कहीं मैं तुम्हें गिरा ना दूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया इसलिए थक गई हूँ। तुम यहाँ पर आराम से खेलो, तब तक मैं कुछ खा कर आती हूँ। Thank you.
वो रहा नन्हा सा कार। आओ यशोदा, हम कृष्ण को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करते हैं। मैंने सुना तुमने राक्षसी पूतना का विषैला दूध पीकर भी उसका वध कर दिया। वैसे मेरे पास दूध से कहीं अधिक प्राण घातक शक्तियां हैं। कृष्णा का कुछ पता चला? हमने सभी ओर देख लिया। हाँ? वो देखो, वो रहा है कृष्णा। अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ। क्या तुमने घोंसले से धरती पर गिरकर टूटने वाले अंडे को देखा है? अब तुम जान जाओगे धरती पर गिरना कैसा लगता है। नहीं गिरेगा कृष्णा। देखो देखो, इतना बड़ा राक्षस। कृष्णा, अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास आओ। कृष्णा कृष्णा, प्रभु की कृपा से तुम बच गए। राक्षस मारा गया। अब डरने की कोई बात नहीं, अब वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ओ कृष्णा, तुम सच में जगत के मनमोहना हो।
पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए, इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। संभाल के ले चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है, सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। आयुष्मान भव, ये सब इंद्र देव की नहीं गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। जय गोवर्धन।
प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूँगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए, दो इंद्र के लिए दो मेरे लिए। देखिए तो वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है, उनकी ये हिम्मत। मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ आओ संवर्तक, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो। क्षमा चाहता हूँ देवराजेंद्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया, ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना? इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। कर सकते हैं।
अंजलो, अब जल्द ही उस लड़के की बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं, कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे एक क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा, इंद्र को बलराम बाबा ठीक कहते हैं, ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, हम मेरे बच्चे। संभव है, यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। देवराज, आओ समर्थक, बहुत थके हुए लग रहे हो, बैठ जाओ और सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई चिन्ह बचा है? देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देव राजेंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्तक, 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए, मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। आपको भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र। हाँ,
बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा। रक्षा करो, इंद्र गोवर्धन पर्वत को नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो। खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो, पहले तुम बाहर निकलो। आप बहुत दयालु हैं। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? नहीं, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। बचा लिया कृष्ण, हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। राजेंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका, मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूं। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। Beep, beep, beep.
कालिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ इस पानी से। तुम्हारे दांतों में भरा विष इन सुंदर तटों की खुशी और शांति में एक बाधा है। इसी समय निकल जाओ और कभी मत लौटना। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की टोकरी भर कर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। हाँ।
तो कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है, मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता। कृष्ण क्या कर रहा है? राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। सच में कमाल हो गया, अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। हाँ, पर ये काम किसने किया होगा? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादी लो। दादी लोब की जय हो। इस सप्ताह के अंत तक वर्षा का आगमन हो जाएगा। ध्यान रहे कि सभी किसानों को उच्च कोटि के बीज दिए जाएं ताकि फसल भरपूर हो। नंद महाराज। जो आज्ञा महाराज। नंद महाराज, रक्षा करो। सुकांत, क्या बात हो गई? नंद महाराज, वो बहुत भयानक था। यमुना से एक विशाल सर्प निकला है, उसके बहुत से फन है और वो बहुत विष उगल रहा है। महाराज, मेरी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। समझ नहीं आता ये कैसी विपत्ति है जो हम पर आन पड़ी। इसी वक्त सभी सक्षम व्यक्तियों को एकत्रित कीजिए, मैं स्वयं उनके साथ यमुना चलूंगा। और ध्यान रहे कि स्त्रियां और बालक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी महाराज। नदी किनारे सभी चरवाहों को संदेश भिजवा दो कि अपने पशुओं के साथ गाँव लौट आए। जी महाराज। ओ नहीं, यशोदा तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। और सुबला, मधुमंगल, हंसी और दधी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तो तुम यहाँ हो, शीघ्र चलो हमसी, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसी, रुक जाओ हमसी, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसी। सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है, वाह। <वाँ। laughs>
हमसे पानी से बाहर निकलो। कृष्णा, बलराम, हमारी सहायता करो। सुबला, तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें उसे बचाना ही होगा। कृष्णा, कृष्णा,
नहीं नहीं नंद महाराज, वहाँ जाना अत्यंत घातक है। मुझे जाने दो, मैं यहाँ खड़ा रह के ये सब नहीं देख सकता। वो देखिए, कृष्णा तो बांसुरी बजा रहा है। इसे सुनिए, अद्भुत है। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंदे कृष्णं। पर दया करो कृष्णा, वो तन और मन दोनों से हार चुके हैं। कृष्णा, तुमने उनका सारा विष निकाल दिया है, अब वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। क्या ये सच है कालिया? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कृष्ण, मेरा विष मेरे सिर पर चढ़ गया था, अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ। मुझे मेरे क्रोध और घृणा ने अंधा कर दिया था, आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, किंतु वचन दो कि तुम सागर में चले जाओगे और दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटोगे। किंतु कृष्णा, विष के बिना तो ये असहाय है, ये संकट में हमारी रक्षा कैसे करेंगे? कृष्णा, हमें अपने और इनके जीवन की चिंता हो रही है, इन्होंने शक्तिशाली गरुड़ का क्रोध भड़का दिया है। गरुड़ इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जब वो इसके सिर पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे। कालिया को भगा दिया। कृष्ण की जय हो, ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। ओह कृष्णा, कृष्णा तुम वहाँ क्यों गए थे? मैं आ गया हूँ माँ, मैं बस तैरने चला गया था। तुम बहुत ही अद्भुत हो मेरे लाल, लेकिन मुझे तुम्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो बस कृष्ण। और इस तरह वृंदावन के अद्भुत बालक कृष्ण ने अपने पाठकों के हृदयों में अपनी जगह बना ली। पाठक आज भी उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं।